रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। दो दिन पूर्व हुई थी जिला अस्पताल में गेट सदर चौराहे में दबंगों द्वारा दुकानदार को मारपीट की घटना, जहां पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। जनपद में नवंबर 2021 में इसी चौराहे पर एक ऐसा ही मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें बड़ा होल हल्ला धरना प्रदर्शन भी हुआ था। और वहीं मारपीट के आरोपियों सहित सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई तक हुई थी। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की इस खबर पर नजर, रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट पर। सभी साथियों को नमस्कार, सभी सम्मानित लोगों को मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि आज मेरे साथ एक घटना हुई, जो कि दिनांक 15 और दोपहर में मेरे दुकान में मैं शटर लगवा रहा था अपने दुकान में, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। मेरी दुकान की अर्थव्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं थी, वहां का गेट खराब था, इसलिए मैं शटर लगवा रहा था। तो वहां भू माफिया टाइप के लोग आए, जिनमें से सागर होटल वाले हैं, सागर होटल वाले मोहम्मद आजम भाई आजम और उनके पुत्र रुमान फैजी और जीशान और उनके सहयोगी आकाश रॉबर्ट और लविश रॉबर्ट, ये सब मिलके और इनके साथ अन्य लोग मिलकर मेरी दुकान में आके कब्जा करना चाहा, वहां का सामान उठा के फेंका और मुझे मारा भी है। ये देखिए निशान है मेरे। और फिर वहां पे राहगीरों ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे, वहां पे लोगों ने वहां का वीडियो भी बनाया है। राहगीरों की वजह से मेरी जान बच पाई है, वरना मुझे मार मार के अधमरा कर देते। फिर वहां से पुलिस की रैली निकल रही थी, मैंने उसका सहयोग लिया तो उन्होंने रुमान को पकड़ा और मुझे पकड़ा, कोतवाली ले गए। फिर वहां मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, वहां मामला समझौता हो गया था। फिर उसके बाद मैं जब बाहर निकला, फिर मुझे धमकियां मिलने लगी कि निकलो साले बाहर, तुम्हें गोलियों से मार देंगे, ट्रक से कुचला देंगे, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे जो बूढ़े बाप है रोड में बैठे रहते हैं उनको ट्रक से उड़वा देंगे। ऐसी ऐसी मेरे साथ घटनाएं हो रही हैं, और अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सागर होटल वाले होते हैं, उनके मालिक होते हैं और उनके पुत्र होते हैं और उनके सहयोगी। और मैं सभी सत्ताधारी विधायकों एवं माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे अपराधियों को जेल की तरफ भेजा जाए, उनको जेल का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। और ये रजिस्टर्ड भू माफिया है, इन्होंने कई सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है और जहां पे इनका खुद होटल बना हुआ है वो वक्फ की संपत्ति है, जो कि मेरे जानकारी में है। और वहां पे आज से काफी साल पहले लोग बताते हैं कि वहां 20 फुट का नाला गया हुआ था, जिसके ऊपर उनका होटल बना हुआ है। और बहुत पावरफुल लोग हैं वो लोग, दबंग टाइप के हैं। और मैं घर में रहता हूँ तो उसके बाद भी, अभी जब शाम में आया हूँ घर, तो उसके बाद भी 10-10 गाड़ियाँ उनकी आ रही हैं, इधर से निकल रही हैं। मुझे डर है, बहुत ज़्यादा डर है, और मेरे परिवार को भी। तो मैं उस डर की वजह से मैं अपने घर से नहीं निकल पा रहा हूँ। आप सभी सम्मानित लोगों से और सम्मानित विधायकों से, सम्मानित सत्ताधारी लोगों से निवेदन है कि आप मेरी मदद करें, और हमारे प्रशासन के लोगों से भी है कि आप जांच करिए और जो भी कार्रवाई हो सके कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ करिए आप। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।